Hello everyone, today we will do 9th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is What Happened to the Reptiles. Reptiles means वो animals जो रेंग कर चलते हैं, जो crawl करते हैं, like snake, lizards, crocodile, etc. Let's start the chapter. You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupatti, a village on the edge of the jungle. शायद आप इस कहानी पर विश्वास ना करें, पर मैं आपको कह सकता हूँ कि एक सच्ची कहानी है, क्योंकि मैं पम्बुपट्टी जा चुका हूँ, एक गांव जो जंगल के किनारे पर है. इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी कारपेट. ये एक पहाड़ी की चोटी पर है और इसके नीचे एक विशाल जंगल है जो कि ऐसा लगता है कि जैसे ग्रीन चादर बिछी हुई है. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. विलेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि डार्क, काले, गोरे, लंबे, छोटे. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. सम ईट मीट बट सम डोंट, कुछ मांस खाते हैं लेकिन कुछ नहीं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे. कुछ लोग एक मंदिर में पूजा करते हैं जो कि फॉरेस्ट के किनारे पर हैं, दूसरे लोग कुछ मील दूरी पर एक मस्जिद में पूजा करते हैं. माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी हंड्रेड्स माइल्स अवे फ्रॉम पम्बुपट्टी. मेरा नाम प्रेम है और मैं पम्बुपट्टी से बहुत दूर रहता हूँ. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर. मैंने गाँव के बारे में सुना था लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया था. देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन्ड, फिर लास्ट ईयर कुछ भयानक होता है. द पीपल ऑफ माई विलेज वेंट मैड, मेरे गाँव के लोग पागल हो जाते हैं. फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैड नेवर बीन टू, अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन. बहुत बहुत दूर जहाँ पर वो कभी नहीं गए थे, वहाँ जाकर वो लोग एक टेम्पल और एक मस्जिद को जला देते हैं. एंड दे वेंट मैड, और वो पागल हो गए. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट किया. सम हैड रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ आधी रात में ही भाग गए. एंड एट 3 इन द मॉर्निंग एज आई ले इन माई हाउस हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हीट एंड वायलेंस, देयर वॉज अ फायर. और सुबह के 3 बजे जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था और हीट और वायलेंस की आवाज़ें सुन रहा था, आग लगती है. मैनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर, वन ऑफ देम वॉज माइन. बहुत सारे घर आग में जल जाते हैं और उनमें से एक मेरा भी था. आई मैनेज टू ग्रैब फ्यू क्लॉथ, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेशा स्टैचूज एंड आई रेन. मैं कुछ कपड़े वहाँ से लेता हूँ, कुछ पैसे, मेरे गणेशा की छोटा सा स्टैचू, और मैं भाग गया. आई रेन फॉर अ डे एंड नाइट, मैं दिन और रात भागा. रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और जब मेरी लेग्स मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं देती थी तभी मैं रेस्ट करता था. ओके, इट मीन्स जब वो ज़्यादा नहीं चल सकता था तभी वो रेस्ट करता था, अदरवाइज वो दौड़ता ही रहा. आई जंप्ड ऑन अ ट्रेन ऑन अ बस, मैं एक ट्रेन पर कूदा, फिर एक बस पर कूदा. नो टिकट्स, नेवर माइंड, एवरी वन सीम टू बी रनिंग. मेरे पास टिकट नहीं थी लेकिन इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हर कोई मुझे भागता हुआ दिखाई दे रहा था. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बुपट्टी, फाइनली मैंने अपने आप को पम्बुपट्टी में पाया. एंड आई सो सम विलेजेस गैदर नियर अ वेल, और मैंने कुछ विलेजर्स को देखा जो कि एक कुएं के पास इकट्ठे हो गए थे. आई रेन देम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, मैं उनकी तरफ दौड़ा और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैं बेहोश हो गया. फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना. व्हेन आई ओपन माई आई, आई सो एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, विद वाइट बियर्ड एंड शाइनिंग ब्लैक आईज बेंडिंग ओवर मी. जब मैंने अपनी आंखें खोली मैंने एक ओल्ड मैन को देखा जिसके वाइट हेयर थे, वाइट दाढ़ी थी और उनकी आंखें चमक रही थी और वो मेरे ऊपर झुके हुए थे. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुकड आफ्टर मी, नेक्स्ट कुछ आगे कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी देखभाल की. पुटिंग फूड इन माई माउथ, मुझे खाना खिलाया. एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और मेरे लिए नदी से स्वीट और कोल्ड वाटर लेकर आते थे. ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, उन्होंने मेरे पैरों को बहुत जेंटली रब किया और पूरे पेन को दूर कर दिया. नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी. नेबर, स्ट्रेंजर, हर कोई मुझसे मिलने आता था. टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड हिम वन डे, मैंने एक दिन उन्हें कहा, ग्रैंडफादर मुझे बताइए, आई हैव नेवर बीन सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने ऐसे विलेजर्स जो इस गांव में हैं ऐसे विलेजर्स कहीं पर भी नहीं देखे. इन माय विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव में लोग उन लोगों से झगड़ा करते हैं जो दूसरे गॉड की पूजा करते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम से और मुस्लिम हिंदुओं से हेट करते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं. बट हियर
दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ पर ये तो एक स्ट्रेंज प्लेस दिखाई देता है, बड़ा ही अद्भुत प्लेस दिखाई देता है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ बम्बूपट्टी, यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। तब ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं, प्रेम मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा, बम्बूपट्टी की कहानी, और तुम उस कहानी को अपने गांव ले जाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, हो सकता है कि वो तुम्हारे कुछ घावों को भर दे और तुम्हारे दुखों को दूर कर दे। ओ ग्रैंड फादर, आई सेड इनएक्सेसली डोंट से दैट, बट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक। मैं कहता हूँ कि ओ ग्रैंड फादर, मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा। जब भी मैं अपने गाँव के बारे में सोचता हूँ तो मैं शर्म से जल उठता हूँ, मैं वहाँ कभी कभी नहीं वापस जाऊँगा। बट देयर्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो, ही सेड। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि इस स्टोरी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्यों वापस वहाँ पर जाना चाहिए। आई किप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिडेंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वॉन्टेड टू हियर दिस स्टोरी, मैं चुप रहा क्योंकि मैं उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता था और मैं स्टोरी को सुनना चाहता था। ओके फिर ओल्ड मैन स्टोरी को शुरू करते हैं। इट हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, ही बिगेन, वो शुरू करते हैं कि ये बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, इतना पहले कि जब कोई स्कूल और टीचर्स नहीं हुआ करते थे। चिल्ड्रन लिव इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ केव्स गुफाओं में रहते थे और उनकी हेल्प जो है फ्रूट और बेरीज को कलेक्ट करने में किया करते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स नो पैंथर और एलिफेंट्स इन बम्बूपट्टी फॉरेस्ट, और उस टाइम पर बम्बूपट्टी के फॉरेस्ट में, बम्बूपट्टी के जंगल में कोई एलिफेंट पैंथर या टाइगर नहीं रहता था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, वो कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ रेंगने वाले जंतु थे, सिर्फ बहुत टाइप के रेंगने वाले जंतु। नाउ यू नो वट रेप्टाइल्स आर, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ट्स, अब तुम्हें पता है ना कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ट्स, ये सभी रेप्टाइल्स होते हैं। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ अ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेस एग्स, वो कहते हैं कि अब तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स की बॉडी पर एक स्केल, यानी कि स्केल मीन्स एक पतली सी स्किन होती है और वो एग ले करते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल ऑफ बम्बूपट्टी हैड अ बिग मीटिंग, हर मंथ जो बम्बूपट्टी के रेप्टाइल्स थे उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होती थी। Everyone came, हर कोई आता था। The pretty excited snakes, thoughtful tortoise, clever quick lizards and the moody crocodiles, यानी कि अपने मूड पर अपनी मनमानी करने वाले crocodiles भी वहाँ पर आते थे क्योंकि उस दिन वो सभी पानी से बाहर निकलते थे। The president of this meeting was मकरा, इस मीटिंग का प्रेजिडेंट मकरा था। The biggest crocodile of the forest, जो कि forest का सबसे बड़ा crocodile था। All the animals thought that he was very important. सभी animals सोचते थे कि वो बहुत important है। He when someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with and what he says or does. जब कोई बहुत ज़्यादा strong होता है, तुम जानते हो कि जब कोई बहुत ज़्यादा strong होता है तो ये मुश्किल हो जाता है कि उसके साथ हम ना चले, यानी कि जो कहता है, जो वो कहता है उसकी हाँ में हाँ हमें करनी ही होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना होता है। Now one day a strange thing happened, अब एक दिन एक बड़ी strange, बड़ी अद्भुत बात होती है। It was a week before one of the monthly meetings, ये जो है monthly meeting से एक week पहले की बात है। मकरा sent a letter to the tortoise, मकरा जो है tortoise को एक letter भेजता है asking them not to come to the meeting, और उन्हें कहता है कि meeting में आने की ज़रूरत नहीं है। I stay, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry. Aiste, जो कि एक big old star tortoise था जिसकी की black और yellow color की skin थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। What does this mean? He shouted, वो चिल्लाता है कि इसका क्या मतलब हुआ? How dare they? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? But no one of the tortoise had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. लेकिन किसी भी टॉर्टोइस की इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर भी इतना साहस नहीं था कि वो मीटिंग को अटेंड करें क्योंकि वो बहुत कम थे और दूसरे बहुत ज़्यादा थे। बिफोर द मीटिंग द जायंट मकरा पॉलिश हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑन द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्क्ड,
मीटिंग से पहले मकरा अपने दांतों को रेड फ्लावर्स के साथ एक ट्री पर जो कि रिवर के किनारे लगा हुआ था उसके रेड फ्लावर्स के साथ अपने दांतों को साफ करता है, पॉलिश करता है जब तक कि वो पूरी तरह से चमकने नहीं लगते हैं। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और उसके लिए हर कोई मीटिंग प्लेस पर वेट कर रहा था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन, वो शुरू करता है कि भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग, और सभी रेप्टाइल्स इवन ब्यूटीफुल जो बिग कोबराज होते हैं वो भी बातें करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मकरा के आने से पहले सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मकरा स्टार्ट करता है तो सभी लोग चुप हो जाते हैं उसकी बातों को सुनने के लिए। मकरा कॉन्टिन्यूड हिज स्पीच, मकरा अपनी स्पीच को कॉन्टिन्यू करता है। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड ऑफ टॉर्टॉइस, वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि हमें टॉर्टॉइस की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टूडे, मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो आज यहाँ नहीं आएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक टॉर्टॉइस, ब्रदर्स एंड सिस्टर भाइयों और बहनों क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमें टॉर्टॉइस को क्यों पसंद नहीं करना चाहिए। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, रेप्टाइल्स जो हैं इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। द स्नेक्स हिस्ट इनएक्सेसली, स्नेक जो है गुस्से में हिश करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि गुस्से में अपने साउंड निकालना शुरू कर देते हैं। द लिजर्ड्स रिंगल देयर टेल, लिजर्ड्स जो हैं अपने टेल को इधर उधर पटकना शुरू कर देती हैं। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जॉज इवन वाइडर, और क्रोकोडाइल अपने जॉज को अपने जो उनके जोस होते हैं उनको जो है और भी ज़्यादा खोल लेते हैं, जो जबड़ा होता है। बट सेड वन लिटल लिजर्ड, एक छोटी सी लिजर्ड कहती है बट नो बट्स, शाउटेड मकरा, देयर वॉज साइलेंस, मकरा चिल्लाता है कि नो बट्स, और फिर वहाँ पर चुप्पी छा जाती है। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक बेबी क्रोकोडाइल कहता है आई थिंक, नो आई थिंक, स्क्रिम्ड मकरा so loudly that the fruit in the tree above him rained down. No, I think, कोई विचार नहीं, मकरा चिल्ला कर कहता है, और वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि एक ट्री जो उसके ऊपर जो ट्री था उसके ऊपर जो फ्रूट्स लगे हुए थे उनमें से एक फ्रूट आकर उसके सिर के ऊपर गिर जाता है। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड सॉल्वड अ फ्यू मोर टीथ, मकरा अपने थ्रॉट को अपने गले को साफ करता है और थोड़े से और टीथ दिखाकर बोलता है, वेल आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइस को क्यों नहीं पसंद करना चाहिए। दे आर सो स्लो, सो स्टूपिड, वो बहुत धीमे हैं, कितने स्टूपिड हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैग्स, वो जो है अपनी बैग पर अपनी पीठ पर हमेशा अपने घर को लेकर घूमते रहते हैं। हुएवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, किसी ने स्टूपिड थिंग के बारे में, ऐसी स्टूपिड बात के बारे में सुना है। नाउ यू लिजर्ड्स यू लिव ऑन इन ट्रीज, वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैग, वुड यू। नाउ लिजर्ड्स, अब तुम मुझे बताओ कि तुम ट्रीज पर रहती हो, क्या तुम अपने ट्री को, क्या ट्री को कभी अपने बैक पर कैरी करके घूमती हो, क्या कभी ऐसा करती हो। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेज एंसर टुगेदर, नो वी डोंट बट, वी वुडेंट बट, अब जो है स्मॉल फ्राइटेंड डरी हुई धीमी सी आवाज़ आती है कि नहीं लेकिन, नो बट्स, नाउ लिसन, फिर मकरा कहता है कि नो बट्स, अब सुनो। I have told the tortoise that they will have to move out of Pambu Patti. मैंने tortoise को बोल दिया है कि उन्हें Pambu Patti से जाना पड़ेगा। When they go, we will have more of everything. वो कहता है कि जब वो चले जाएंगे कि तो हमारे पास हर एक चीज़ ज़्यादा होगी। More food, more water, more space, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा space. I want them out by tomorrow. मैं उन्हें कल ही बाहर निकालना चाहता था but because they are such small coaches, I have given them 1 week. लेकिन क्योंकि वो बहुत धीरे चलते हैं इसीलिए मैंने उनको 1 week दिया है। By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in the jungle. लेकिन next Tuesday तक हमारे पास जंगल में एक भी tortoise नहीं होगा। And by the following Tuesdays, they were all gone. और next Tuesday तक सभी चले गए। At फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले जो है एनिमल्स बहुत दुखी होते हैं, बट देन दे रियलाइज दैट द मकरा हैड सेड वॉज ट्रू, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि मकरा ने जो कहा था वो सच है, देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस फॉर देम, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा स्पेस था। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, लेकिन जल्दी ही फॉरेस्ट में एक गंदी सी स्मेल फैलना शुरू हो जाती है। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड, रॉटिंग मीन्स सड़ना, गलना, ये जो है स्मेल
सड़े गले फ्रूट्स की थी जो ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए थे. रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, रिवर में सड़े हुए एनिमल्स की थी. दिस वॉज व्हाट द टॉर्टोइज यूज टू ईट, और यही वो चीज़ें थी जिन्हें टॉर्टोइज खाता था. एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नॉज विद हिज बिग क्लॉज. इवन मकरा भी उस स्मेल को दूर भगाने के लिए अपने बड़े बड़े पंजों से अपनी नाक को होल्ड करके रखता था. अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन. एक महीना बीत जाता है और फिर से वही चीज़ होती है. बट दिस टाइम इट वॉज स्नेक्स. लेकिन इस टाइम ये बात किसके साथ होती है? स्नेक्स के साथ होती है. मकरा रोट डैम आउट वन ऑफ हिज लेटर्स. मकरा अपना एक लेटर उन्हें लिखता है. दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे. वो लिखता है कि उन्हें फॉरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा और क्योंकि वो बहुत तेज चल सकते हैं इसीलिए उन्हें एक ही दिन में जंगल से जाना पड़ेगा. नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकरा वुड नॉट गिव इन. नागा जो कि स्नेक्स का हेड था उसने और टाइम मांगा लेकिन मकरा ने वो टाइम देने से मना कर दिया. एट द मीटिंग ही साइलेंट द अदर्स द लिजर्ड्स एंड द क्रोकोडाइल विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स. और मीटिंग के टाइम पर वो बिल्कुल चुप हो जाता है. इवन लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल भी चुप हो जाते हैं और मकरा जो है और ज़्यादा तेज चिल्लाता है. स्नेक्स आर स्लिमी ही सेड. वो कहता है कि स्नेक्स जो है स्लिमी यानी कि चिपचिपे होते हैं. एंड दे मेक फनी नॉइजेज और वो बड़ी अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं. हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रीचर्स अराउंड, और कौन जो है ऐसे भद्दे क्रीचर्स को अपने पास अपने आसपास चाहेगा. अगेन नो वन डेयर टू डिसअग्री विद मकरा एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट. और दोबारा से मकरा को डिसअग्री करने का करेज साहस किसी के पास नहीं था और स्नेक वहाँ से चले गए. बट फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स. लेकिन जो बचे हुए एनिमल्स थे वो कहीं ना कहीं खुश भी थे क्योंकि वो स्नेक्स से बहुत डरते थे. यू नेवर न्यू वन व्हेन वन ऑफ देम माइट लॉस हिज टेंपर एंड स्पिट ऑन वेनम एट यू. आप कभी नहीं जानते हैं कि उनमें से एक कब आपके ऊपर गुस्सा कर दे और आपके ऊपर वेनम को जहर को फेंक दे. एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल. और जो एक थोड़ा सा पॉइजन भी आपको मारने के लिए काफ़ी होता है. A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. कुछ वीक चले जाते हैं और जो फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं वो थके हुए दिखाई देते हैं. द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट. और वो किस लिए थके हुए दिखाई दे रहे थे? रैट्स की वजह से, क्योंकि अब स्नेक्स नहीं थे फॉरेस्ट में उनको खाने के लिए, तो रैट्स हर जगह फॉरेस्ट में दिखाई दे रहे थे. एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि अब उन्हें किसी बात की कोई भी डर नहीं था. उन्हें सिर्फ डर सांपों से लगता था और सांप जंगल में थे ही नहीं, तो वो अपना टाइम बड़ा उनके पास अब बड़ा वंडरफुल टाइम था. दे वर एवरीवेयर, वो हर जगह थे. ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेज, ऑन द ग्राउंड. ट्रीज पर, ग्रास में, झाड़ियों में, जमीन पर, हर जगह वो थे. दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल. वो जो है लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल के अंडे खाते थे. देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उस साल कोई भी बच्चा नहीं हुआ. मकरास ओन नेस्ट ऑफ द एग्स हैड बीन च्यूड अप, और मकरा का खुद का नेस्ट भी जो एग्स से भरा हुआ था वो उन्होंने खा लिया. देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया. फिर मकरा को एक बहुत ग्रेट आइडिया आता है. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स. वो इस टाइम सिर्फ क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाता है एंड सेड वुडेंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ. वो कहता है कि क्यों ये कितना वंडरफुल होगा ना कि अगर हम मकरा सिर्फ क्रोकोडाइल ही पूरे जंगल के ऊपर राज करें. नो वन बट अस, और कोई नहीं लेकिन सिर्फ हम. द लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम दे हैव द स्ट्रेंजर्स हैबिट. वो कहता है कि लिजर्ड्स उनकी तरफ देखो उनके बड़ी स्ट्रेंजर्स हैबिट हैं. एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और कुछ तो उनमें से कलर भी चेंज करती हैं. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट एंड रेड द नेक्स्ट. हम किसी ऐसे क्रीचर के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो एक मिनट में रेड होता है और दूसरे ही क्षण ग्रीन हो जाता है. लेट्स गेट रिड ऑफ देम. चलिए उनसे छुटकारा पाते हैं. रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना. बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा, और अब जो है
क्रोकोडाइल मकरा से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, और डर में ही वो क्लैपिंग करते हैं और खुश हो जाते हैं। मकरा वॉज प्लीज्ड, मकरा खुश होता है। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, लिजर्ड जो है फॉरेस्ट को छोड़कर चली गई, कुछ ने अपने बेबीज को अपनी बैक पर बिठाया और वो वहाँ से चले गए। बट नाउ व्हेन द लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पम्बुपट्टी, ऑल काइंड्स ऑफ आफुल थिंग्स बिकेन टू हैपन। लेकिन अब जब लाइफ पम्बुपट्टी के क्रोकोडाइल्स के लिए लाइफ बहुत अच्छी होनी थी, वंडरफुल होनी थी, बहुत सी आफुल थिंग्स उनके साथ, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें उनके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। टू बिगिन विद द रैट्स, और ये चीज़ें किसके साथ स्टार्ट होती हैं, सबसे पहले तो रैट्स के साथ, क्योंकि रैट्स जो हैं डे बाय डे बोल्ड होते जा रहे थे, यानी कि अब उन्हें किसी का डर ही नहीं था, वो डे बाय डे और ज़्यादा साहसी होते जा रहे थे। दे बिकम सो फियरलेस एंड दे जम्प्ड एंड टर्न समर सॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, वो अब फियरलेस बिल्कुल डर से फ्री हो गए थे, और वो जो है जंप करते थे एंड टर्न समर सॉल्ट्स होते हैं कलाबाजी, और कुछ कलाबाजी जो है क्रोकोडाइल्स के बैक्स पर वो लोग करते रहते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और बहुत ज़्यादा फ्रॉग्स भी हो गए थे। दे सेम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वर नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, और वो अब बहुत बड़े बड़े हो गए थे और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ कौन थे, क्रोकोडाइल्स थे, इसलिए उन्होंने क्रोकोडाइल्स के जो छोटे बेबीज थे उनको खाना शुरू कर दिया। नाउ द इंसेक्ट्स, नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय डे। अब इंसेक्ट्स, क्योंकि उनको खाने के लिए छिपकलियाँ वहाँ नहीं थी, अब लाखों की संख्या में वो हो गए थे और वो दिन भर दिन बड़े और धूर्त होते जा रहे थे। इट वॉज़ अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, और ये क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत बुरा टाइम था, बहुत भयानक टाइम था। दे कुडंट अंडरस्टैंड वट हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके हैप्पी फॉरेस्ट के साथ क्या हुआ। देन वन डे अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस पिप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग, एक दिन उनकी मीटिंग में एक धीमी सी आवाज़ आती है। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैड गॉन क्रेजी, डोंट वी, हमें पता है कि हमारे फॉरेस्ट के साथ क्या हुआ है, क्या हमें नहीं पता। सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, सडनली एकदम से सभी लोग चुप हो जाते हैं। दे लुकड एट मकरा फियरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुकड नर्वस, वो डर कर मकरा की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें देख कर सरप्राइज हो जाता है कि इस टाइम तो मकरा भी नर्वस हो चुका था। ही शूक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क द स्मॉल क्रोकोडाइल व्हाई लिटिल फेलो इट ऑल बिगेन विद टॉर्टोइस, वो अपनी रेट को टेल को हिलाता है और एक चूहे को उसके ऊपर से हटाता है और कहता है उस छोटे क्रोकोडाइल से, क्यों हुआ ये सब, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सब टॉर्टोइस के साथ शुरू हुआ, कि जब हमने टॉर्टोइस को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। ओके सेड मकरा, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, अब मकरा कहता है कि ठीक है अब ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के बारे में। मकरा डिड नॉट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, मकरा ये मानना ही नहीं चाह रहा था कि वो गलत था, बट इट डिडेंट मैटर, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रेंज और पावरफुल, अब सभी क्रोकोडाइल्स को पता चल गया था अब वो जो है इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है, सॉरी स्ट्रॉन्ग नॉट स्ट्रेंज, और ऑलवेज राइट दे, और हमेशा वो सही भी नहीं है। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस टू ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइस स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पम्बुपट्टी, वो जो है अर्जेंट मैसेजेस भेजते हैं हर एक प्लेस पर टॉर्टोइस स्नेक्स और लिजर्ड्स के लिए कि वो वापस पम्बुपट्टी आ जाए। एंड वट अ ग्रेट डे इट वॉज वैन दीज क्रीचर्स कम बैक, और कितना अच्छा दिन था जब ये क्रीचर्स वापस आ गए, फैमिली आफ्टर फैमिली, एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली आ रही थी विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स, अपने छोटे बच्चों को वो लोग अपने पीठ पर बैठा कर ला रहे थे, एंड स्ट्रगलिंग बिहाइंड, और कुछ के पीछे जो है कुछ उनके अपने बच्चों के पीछे आ रहे थे, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को चिल्ला कर कह रहे थे कि वो उनके लिए वेट करें। Now in 2 months the forest was back to normal, लेकिन अब दो महीनों में ही forest normal हो जाता है। The rats disappear and the insects and the smell that the world finally went back to its familiar old self, rats disappear हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, insects, smell सब कुछ चला जाता है,
और ये जो फॉरेस्ट का ये पूरा वर्ल्ड था ये दोबारा वैसा का वैसा ही हो जाता है। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन हैव यू फॉलन अस्लीप। अब यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है रेप्टाइल्स की, और अब ओल्ड मैन प्रेम से पूछता है कि प्रेम क्या तुम सो रहे हो, क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें सुला दिया है। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू अ ड्रीम लैंड, क्या मेरी स्टोरी तुम्हें सपनों की दुनिया में ले गई है। आई शुक माई हेड, नो ग्रैंडफादर। प्रेम अपने सिर को हिलाता हुआ कहता कि नहीं ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलर्स बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम। शायद अब ये टाइम आ गया है कि मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे उनको बताने के लिए मेरे पास एक कहानी है। बट इफ़ दे डिडंट लिसन टू मी, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मुझे नहीं सुना तो। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन। तब ओल्ड मैन कहते हैं कि माई सन, मेरे बेटे, सिर्फ हम अपनी जो है हम सिर्फ उस चीज़ को कर सकते हैं। ओके, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। वो कहते हैं कि ये स्टोरीज जो है दोबारा दोबारा बताते रहो लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। सम ऑफ देम विल लाफ एट यू एंड से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू। हो सकता है कि कुछ उनमें से तुम्हारे ऊपर हंसे और कहे कि तुम्हारी स्टोरीज जो हैं सही नहीं है, सच्ची नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स। लेकिन एक दिन वो तुम्हें समझेंगे और वो समझ जाएंगे कि हर किसी का इस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड में एक प्लेस है, मतलब हर किसी का अपना रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है तो उसका अपनी जगह नहीं है। हर क्रीचर की अपनी एक जगह है इस पूरे वर्ल्ड में। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। टेल मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।